Hey guys, it's Devina and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. So guys, the most awaited video which you guys are like requested, मतलब मेरे channel में एक ही request आई है house tour का. So here it is and I'm really really sorry कि मैं बहुत late हो गई हूँ. So nevertheless, like हम लोग अभी घर अपना दिवाली की सजावट भी हुई है और lighting वगैरह भी मैंने लगाया है और मैं एकदम ethnic wear में get up हूँ, as you can see. This kurta is gifted by my mom, so thanks a lot mom for this. और फिर so guys, without babbling, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा. बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आ रहे हैं. मैं ट्रैवल और लाइफस्टाइल पे अपना वीडियो बनाती हूँ. सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये हॉल है हमारा. सो यहाँ पर सबसे जो ऊपर का रखा हुआ है वो बस्तर आर्ट है, और उसके बाद ये जो है ये भी आप बस्तर आर्ट ही दिख रहा है यहाँ पर. ये हम लोग जब अभी जब जगदलपुर सुकमा गए थे लास्ट टाइम, तो हम लोग यहाँ से लेके आए. बहुत चीप में मिलता है वहाँ ये सब सारे सामान. और उसके नीचे पे ये गिफ्ट, ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है जो बिपिन ने मुझे दिया था. हमारा फोटो है ये व्हेन वी गाइस वर डेटिंग. और उसके नीचे ये एक मुझे बहुत ही अच्छा इन्विटेशन, वेडिंग इन्विटेशन, तो मैं वो रखी हूँ गणेश भगवान वाला. और यहाँ पर कछुआ रखे हुए हैं और उनके साथ एक शालिक राम बोल रहे हैं बिपिन. या और उसी के जस्ट साइड में अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये चूड़ी बैंगल्स है. और ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, मतलब तो मैं वैसे भी पहनती नहीं हूँ बैंगल्स एंड ऑल ज़्यादा, तो मैंने उसे यहाँ सजा दिया है. थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप बताइएगा कमेंट में. और उसके नीचे में मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है. ये एक इंडोर प्लांट है, दिस इज ओरिजिनल प्लांट गाइज. और ये जो इसमें लाइटिंग है ये भी बैटरी वाली लाइटिंग है, सो दिस इज रियली वेरी नाइस. बैटरी से चार्ज होती है, जो कि मैंने शीएन से लिया था. और ये मेरी फ्रेंड है जो उसने गिफ्ट किया था मुझे. और उसके पीछे मिरर, ये हमारे पुराने घर में हमें यूज होता था, बट नाउ वी हैव इनफ मिरर, सो वी डोंट नीड दिस. और मेरा एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, जैसे आप एंट्रेंस में अगर मिरर रखोगे तो उससे जो भी नेगेटिविटी होती है वो वापस चले जाती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट हियर एंड इट्स लुकिंग कूल आई थिंक सो. एंड नेक्स्ट टू दैट वी हैव ह्यूज टीवी. बिपिन्स फेवरेट थिंग इन दिस हाउस इज टीवी. ओके, सो ये हमारा सैमसंग का टीवी है, कर्व टीवी. ओके, और उसके नीचे है ये साउंड बॉक्स, दिस इज ऑल्सो गिफ्टेड बाय बिपिन सिंह. और फिर अब मैं जब जाते हैं तो ये कोई हम लोग की शादी में किसी ने दिया था, वो रखा हुआ है मैंने. गणेश भगवान को एंट्रेंस पर रखते हैं तो हमेशा अच्छा होता है. और ये मेरी स्कूल फ्रेंड ने शादी में गिफ्ट किया था, अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है. इट्स मोर देन 2 ईयर्स, सो थैंक्स अ लॉट फॉर हर गिविंग दिस वंडरफुल गिफ्ट फॉर मी. और ये हमारी वेडिंग का रिसेप्शन का फोटो है दोनों का. और बिपिन एकदम राजपूताना तलवार पकड़े थे, तो मैंने उनका तलवार लेके थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश की है. एंड नीचे जाते हैं, दिस इज़ द बेस्ट पिक इन हिस्ट्री. ये जब मैं बहुत पतली हुआ करती थी तब की फ़ोटो है, और हम लोगों की ये प्री वेडिंग फ़ोटो है. एंड कमिंग डाउन, ये हमारा गरबा वाला डांडिया है. और दिस थिंग बिपिन गॉट इट फ्रॉम वेयर, बिपिन गॉट दिस फ्रॉम थाईलैंड. आई डोंट नो हाउ, समथिंग लाइक दैट इट विल, मेरी प्री डिस्ट्रिक्ट लग रही है इसमें. सो ये गरबा हम लोग खेलने जाते थे, इस साल हम लोग नहीं जा पाएंगे लग रहा है मुझे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दिस फोटोग्राफ इज ऑल्सो सो मेमोरेबल फॉर अस. ये मालदीव्स की फोटो है हमारी, हमारे हनीमून की. एंड नेक्स्ट टू दैट अवर सेकेंड एनिवर्सरी फिफी आइलैंड थाईलैंड जब हम लोग गए थे. ऑल दिस वीडियोज, ऑल द सीरीज इज अप ऑन माई चैनल, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, विच दिस इज अवर शूज एरिया. लाइक हम लोग बहुत अच्छा, मतलब जो मेरे चाहते शूज है उसके अंदर होते हैं, मैं दिखाना नहीं चाहती आप लोगों को. एंड ये इंडोर प्लांट है, ये बिपिन के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था. और उसके ऊपर मैंने ये चूड़ी रख लिया है और बगल में कैंडल लगा लिया है, सो इसका रौनक आ रहा है थोड़ा सा. ओके, सो नेक्स्ट कालीन, मतलब ये बहुत ही सस्ता है, 500-600 रुपीज में मुझे मिला था. मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. हल्का है, बहुत अच्छा है, यू कैन कैरी इट आउट वाला है, भारी नहीं है. और ये हमारा सोफा सेट है जिसे हमें चेंज करना है, बट स्टिल वी आर हैप्पी अबाउट इट. और कंफर्टेबल है काफ़ी, सो चल रहा है अभी. और उसके बाद ये हमारा टेबल है जिसमें हम चाय पीते हैं, सब सुबह के नाश्ता भी यहीं होता है हमारा.
उसमें मतलब न्यूज़पेपर है, किंडल है बिपिन का और ये सारी चीज़ें. गाइज ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड हियर कि ये ऐसा घर मेरा हमेशा सैटरडे संडे ही होता है. मंडे टू फ्राइडे इट विल बी टोटली मैस. अगर आप आएंगे तो आपको क्या बोलूँ मैं, बहुत ही गंदा होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मंडे टू फ्राइडे. बट मैं सैटरडे संडे बहुत अच्छा क्लीन रखती हूँ. दिस इज अवर एंट्रेंस और साइड में एक छोटा सा फिर से सो पीस एरिया दिया हुआ है. यहाँ पर हम लोगों की यहाँ पर हम लोगों ने जब कार लिया था दैट वाज आल्सो अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. सो वो फोटो है और उसके नीचे बिपिन के थोड़े गिफ्टेड है हमारे जो बिपिन का जो ऑफिस से मिला डायल पेड से वो सारी चीज़ें हैं. Yeah guys, and this wall is empty. I don't have anything to put here. And coming to this wall, DIY by me. मैं इसका वीडियो डालूंगी जल्दी. बहुत ही इजी है. And next to that we have this photos. Actually we love traveling और road trip हमारा बहुत favorite है उसके लिए. And we both love dog but we can't have it one. So I'm just putting pic of that. और ये भी ट्रेवल से रिलेटेड है. सो दैट्स व्हाट आई हैव पुट हियर. और ऑल्सो गाइस आई वांट टू ऐड लाइक हम पूरे घर में हम लोगों की फोटो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों का सपना था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फोटो हम लोग रखेंगे और हम लोग दोनों को फोटो खिंचवाने का मेमोरीज कलेक्ट करने का बहुत शौक है. सो दैट्स वाई यू आर गेटिंग सो मेनी पिक्स ऑफ अस. एंड या और यहाँ पर कपड़ा प्रेस करने वाला है. ये भी हम लोगों ने 1000 rupees कुछ लिया था डीमार्ट से. सो या दैट्स ऑल वी हैव इन अवर हॉल. Coming to here, this is our. So guys, let's go inside and see what else we have. So ये हमारा मिलिंग डाइनिंग एरिया. We don't own dining table still, but हमारे पास ये टेबल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेबल है तो हम लोग इसको रख लिए हैं. और यहाँ दो चेयर लगाए हैं. ये हम लोगों ने लिया है होम सेंटर से for 1000 bucks. So yeah. और यहाँ पर पूरे पिकल्स चम्मच रखे हैं और थोड़ा सा फ्लावर है. कैंडल लगा दिया मैंने अगेन थोड़ा दिवाली वाइब देने के लिए. एंड कमिंग टू दिस पार्ट आई थिंक यू गाइज ऑलरेडी सॉ दिस नंबर ऑफ टाइम इन माई वीडियोज. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ माई हाउस वेयर आई यूज टू फिल्म माई वीडियो. सो ये हमारे फोटोज हैं इंगेजमेंट के. पता नहीं बहुत सारी मेमोरीज आप देख सकते हैं. हमारे पूरा परिवार भी है इसमें. हमारी मेरी शादी का फोटो डिपेंड है इसमें एंगेजमेंट के टाइम का. सो पूरा मिक्स एंड मैच है. एंड दिस इज गिवन बाय माय फ्रेंड. शी लेफ्ट टू कनाडा सो शी हैज गिवन मी दिस. और यहाँ पर एक सामान रखने का दिया हुआ है. इस घर में बहुत सारी चीजें हैं सामान रखने को तो पूरा डंप है अंदर. एक जगह मेरा बैग रखा हुआ है पूरा और एक जगह पूरी बुक्स पड़ी हुई है जो यूज नहीं करते हैं. सो वो सारी चीजें. एंड यहाँ मैंने अपना सबसे फेवरेट मतलब पाम ट्री के बाद जो कई प्लांट आता है वो मेरा ये मनी प्लांट है. बहुत टाइम से मेरे पास बहुत प्यार करती हूँ मैं इसे. अगेन आई एम टेलिंग. सो मैंने यहाँ रख दिया थोड़ा सा लुक देने के लिए और वाइट दिया क्योंकि ऑलरेडी ये रूम में धूप नहीं आती है रोशनी नहीं आती है. सो थोड़ा वाइट रहेगा तो मतलब लाइट अच्छा होगा. और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन अवर होम. दिस इज लाइक हमारी पूरी बुक्स है. दोनों हम लोग को बुक पढ़ने का बहुत शौक है. मतलब बिपिन को पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था. मुझे भी हो गया बिपिन के साथ रहते रहते. सो दैट इज द गुड थिंग. और या ये हम लोग की अगेन मेमोरी बुक है. मतलब मैंने गिफ्ट किया था बिपिन को और ये उसके ऊपर है. हमारी एंगेजमेंट की फोटो है. ये बहुत बड़ा फोटो है. Again, I want to add one point that this is our rented apartment. We don't own this, so we didn't do the drilling and all. Drilling and all. So हम लोग ऐसे ही चला रहे हैं. बाकी बहुत सारे सजाने का दिया हुआ है घर में तो we don't require it anymore. So coming to the second best part, this is my closet room you can say or my working room. मैं मतलब अपना बहुत ज़्यादा time यहाँ बिताती हूँ. यहाँ मैं edit करती हूँ और कभी कभी film भी करती हूँ. So this is how it looks. This is guest room actually. ट्रेडिशनल वेयर है. साड़ी सलवार सूट एवरीथिंग इज देयर. और बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को मिली है कि हम लोगों को यहाँ एक ड्रेसिंग एरिया मिला हुआ है हर दोनों रूम में है. सो ये मेरा पूरा ओन करते हुए मेरा ये सब सामान बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है जगह से. यहाँ पर मैं बैठ के अपना वीडियो एडिट करती हूँ. सो ये मेरा पुराना बेचारा सा डेस्कटॉप है जो मेरा बहुत साथ दिया है. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस डेस्कटॉप. और फिर यहाँ पर थोड़ा सजावट किया हुआ है. ये मैंने मिनी से लिया था 700 bucks का. नॉट एट ऑल वर्थ इट सीम्स.
और ये मेरी फेवरेट थिंग, बहुत प्यार करती हूँ जिसे मैं, आप जानते हैं। सो मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट। अगेन ये मेरा थोड़ा मिनी विजन बोर्ड है और यहाँ पर भी लाइटिंग। आप कभी काम कर रहे हो और फिर आपको मतलब थोड़ा अच्छा खुशबू आए, उसके लिए हमेशा कैंडल या अगरबत्ती लगा के रखिए। तो मैं बेबी भी करती हूँ। मैकबुक रखा है नया वाला बहुत प्यार से, और यहाँ पर थोड़ी मिसलेनियस चीजें, और इसके नीचे रखती हूँ मैं मेरे गैजेट्स, मेरा पूरा कैमरा और सारा सेटअप है इधर डाउन में। ओके, सो जैसे आप डाइनिंग एरिया से एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक और एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर अगेन हमारे फोटो है, बहुत ज्यादा फोटो है हमारे घर में हमारे, और ये अगेन मिनी प्लांट है, लाइट के नीचे रखा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर उसके नीचे मेरा सारा मिसलेनियस चीजें, अगेन मिक्सर, एग को बॉईल करने वाला मिक्सी, और फ्रूट्स एरियाज हैं, यहाँ चार्ज भी हम लोग करते हैं। सो दिस इज रियली वेरी नाइस। और फिर देन हम लोग अब जब अंदर आएंगे तो ये दिखेगा, ये सबसे ज्यादा प्यारा जगह है मेरा, मेरे भगवान जी का मंदिर है यहाँ, जिसे मैंने बिल्कुल भी कुछ मतलब खिला वाला कुछ नहीं किया है, बस लाइटिंग से यहाँ ऑलरेडी खिलती, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे सजा दिया है, तो उसका लुक ही चेंज हो गया है। मतलब अगर लाइट भी बंद कर देंगे अपन तो बस इसकी जो रोशनी है ना वो चेंज कर देता है पूरा एटमॉस्फेयर। और ये जो घंटी है ये मैंने कुर्द से लिया था, बहुत अच्छा है। तो और फिर किचन तो मैं नहीं दिखाना चाहती थी, बट अब देख लीजिए थोड़ा बहुत किचन में भी बहुत अच्छा स्पेस है, पूरा मॉड्यूलर किचन है, बट अभी पूरा टोटली स्मेल। और हमारा छोटा सा फ्रिज है गाइस, इतना छोटा सा क्यूट सा फ्रिज है, उसमें बहुत सारे मैग्नेट लगे हुए हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं। ओके, सो बेडरूम में जैसे ही घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अगेन फोटो मिलेगा, एज ऑलवेज सारे जगह में, सारे रूम में, हर जगह हमारा फोटो मिलेगा आपको, ताकि लगना चाहिए ये हमारा घर है। अगर आप गेस्ट भी इस घर में तब भी आपको फील होगा कि ये देवना और बिपिन का घर है। सो दैट्स हाउ इट इज। और उसके नीचे ये बहुत ही क्यूट सा कैंडल है, मतलब अगर आप लाइट भी बंद कर देंगे सो इसकी रोशनी क्या लगती है, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंट देता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू बाय दिस, इट विल चेंज द लुक ऑफ योर होम। ओके, और उसके नीचे अगेन ये इंडोर प्लांट है जो मैंने रखा है, मुझे प्लांट का बहुत ज्यादा शौक है आप लोगों को जैसे पता ही होगा। और उसके भी नीचे एक और मैंने दिया रखा हुआ है, वो मैंने ऐसे ही मुझे गिफ्ट में मिला था तो मुझे बहुत पसंद आएगा, आई डोंट वांट टू यूज इट क्योंकि यूज करने से बहुत ज्यादा वो काला वाला हो जाएगा इसलिए। और ये है बिपिन का ड्रेसिंग टेबल, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा कचरा है इसके अंदर, तो मैं खोल के नहीं दिखाना चाहती। और यहाँ पर एक अगेन प्लांट है, नीचे एक बिपिन को बियर का मग दिया हुआ था किसी ने, तो वो रखा हुआ है हमारा ऑफिस से दिया है बता रहे हैं बिपिन, सो दैट्स व्हाट वी हैव हियर। बट ये थोड़ा मैंने साफ किया है तो यू कैन लुक इट हियर। ये बिपिन के सारे ग्रूमिंग वाले सामान हैं, उस्तरा का नया बिपिन ने लिया है, और वेइंग मशीन है जो बिपिन सुबह उठते हैं सबसे पहले इसी में चरण जाते हैं बिपिन के। और गाइज ये हमारा बालकनी है, इसे मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेरा बालकनी टूर अप है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारा बेड है, और उसके बाद ये मैंने लाइटिंग लगा रखी है, और वो दो फोटोज है हमारे, मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो दिस इज हाउ इट लुक इन नाइट, और ये चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर ये बिपिन का कबर्ड है, ये भी पूरा कचरा है, बिपिन के सारे सामान ऐसे डंप करे हुए हैं, सो वो भी मैं नहीं दिखाना चाहती। सो गाइज आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके जाना, सारी अच्छी चीजें करना, मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।